गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सिक्स के मैथ में 11.2 एक्सरसाइज 11.2 आज स्टार्ट हो रहा है। इसमें पढ़ना है आपको एरिया। अब एरिया कौन कौन पढ़ना है ये पहले आपको मैं बता दूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो ये दो चीज अभी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एरिया और पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का कल क्वेश्चन बना था, आज एरिया का क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 125 मीटर और 80 मीटर। यहाँ पे जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया है 125 मीटर और ब्रेथ जो दिया हुआ है वो है आपका 80 मीटर। अब लिखना है हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या होता है एल इंटू बी। अब यहाँ पर 125 मीटर है इंटू 80 मीटर है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 4 कैरी, 8 2 जा 16 16 4 20 2 कैरी, 8 2 10 और 1 0, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है वह स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं। तो 125 मीटर एंड 80 मीटर दोनों मिलकर के क्या हो गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकल गया आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। अब क्वेश्चन नंबर टू में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू में आप देखेंगे कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इट्स वन साइड इज 15 सेंटीमीटर। यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। विजय सर आप भी ध्यान दीजिएगा, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। आपको भी फायदा हो जाए। तो साइड ऑफ स्क्वायर दिया 15 सेंटीमीटर और क्या निकालना है हमको, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर आप सेकंड टर्म में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड। मेरे पास 15 सेंटीमीटर साइड है, उसको दो बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 cm स्क्वायर। तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60 मीटर। आंसर आपका 60 मीटर हुआ, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 15 मीटर मल्टीप्लाई करें, 15 4 जा 60 मीटर, तो आंसर हो जाएगा 16। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर है तो मीटर होगा। तो ये था आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर 144 सीएम स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यदि दिया है तो हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर से हम साइड ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, और जब साइड ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा तब उसका हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइड ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, ये फॉर्मूला भी है, इसको आप याद कर लेंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर होता है रूट अंडर एरिया, ठीक है। अब एरिया मेरे पास कितना है, 144 सीएम स्क्वायर है, और 144 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बाहर आएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होल इनटू साइड, फोर इंटू साइड। तो फोर मेरे पास ये है और साइड निकल गया कितना, 12 सेंटीमीटर, तो वर्चोक 48 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया कितना, 48 सेंटीमीटर। तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है तो साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एरिया। अब रूट अंडर एरिया को जब सॉल्व करेंगे, 144 का स्क्वायर रूट है तो बाहर आएगा तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो साइड हो गया 12 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 12 सेंटीमीटर यानी 48 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। इस तरह से आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 150 मीटर एंड 120 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 2 मीटर, लेंथ इज 3 रुपीज, 2 मीटर का लेंथ कितना है, 3 रुपीज है, तो 1 मीटर का लेंथ कितना होगा, 1.5 रुपया होगा। तो इस तरह से इसको भी आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। इसमें आपका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 150 मीटर, 150 मीटर, और ब्रेथ भी दिया हुआ है कितना मीटर, 120 मीटर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 2 मीटर, लेंथ इज रुपीज 33, यानी रेट दिया हुआ है 2 मीटर, लेंथ का चार्ज है 3 रुपया, ठीक है। इसका मतलब कि पेरीमीटर निकालना होगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका निकालेंगे, रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो फर्स्ट नंबर में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड,
इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पे 2 इंटू लेंथ है 150 मीटर और ब्रेथ है 120 मीटर। अब यह हो जाएगा आपका 2 इंटू 150 और 120 तो 270 मीटर। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 540 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 2 मीटर इक्वल टू ₹3। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 2 मीटर इक्वल टू ₹3, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1 रुपीज़ 50 पैसे यानी 1 रुपया 50 पैसा। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ना तो टोटल फेंसिंग कॉस्ट इक्वल टू 1 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाई 540 मीटर, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा अमाउंट उतना हम बता देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ है 540, ठीक है, और 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइव फोर या 20, 25 दो 27, 144, 155, 0, 11, 800, और 10 और 10, 20 और डेसिमल दो नंबर के बाद 810 रुपीस, यानी आपका आंसर हो गया 810 रुपीस आंसर। तो ये बात समझ में आ गई, क्या क्या किया इसमें हम। तो सबसे पहले उस फिगर को हम ध्यान में रखेंगे कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, और रेक्टेंगुलर जब फील्ड है तो लेंथ 150 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ 120 मीटर दिया हुआ है, और कॉस्टिंग का चार्ज दिया हुआ है कितना 2 मीटर, लेंथ इज ₹3, यानी 2 मीटर का चार्ज कितना है 3 रुपया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रेट पर ध्यान दिया कि रेट क्या है। अगर रेट पर ध्यान देने से पता चला कि उसका पेरीमीटर निकालना होगा, तो हमने पेरीमीटर निकाल दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 2 × L + B, तो 2 × 150 मीटर प्लस 120 मीटर। अब इस दोनों को ऐड किए और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 540 मीटर हुआ, और 540 मीटर को कॉस्टिंग चार्ज निकाले तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है 2 मीटर इक्वल टू ₹3, तो 1 मीटर का चार्ज कितना होगा 3/2 यानी 1 रुपया 50 पैसा। अब 1 मीटर का चार्ज 1 रुपया 50 पैसा है, तो 540 मीटर है उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास अमाउंट जो आया वो है 810 रुपीज़, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब 3 क्वेश्चन आपको हम समझा दे रहे हैं, आप घर पे बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ए वॉल
एक दीवाल है जिसका वाइट वाशिंग निकालना है, वाइट वाशिंग करना है, लेकिन उसका कॉस्ट दिया है ₹9,120, 9,120 रुपया उसका चार्ज दे दिया, इतना कॉस्ट लग चुका है। और द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर, यानी एक मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है, ₹5 है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया थे कि यह पेरीमीटर पूछ रहा है, लेकिन अभी जो कॉस्टिंग चार्ज हमने देखा, उस कॉस्टिंग चार्ज में ये पता चलता है कि उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया दिया हुआ नहीं है, लेकिन चार्ज में इंक्लूड है एरिया। अगर आप चार्ज को ठीक ढंग से समझ रहे हैं तो आपका एरिया भी सामने आ जाएगा, वह छुपा हुआ है। लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल, उस वॉल का एरिया निकालना है, ठीक है, टू बी पेंटेड, जिसको पेंट करना है, और ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर। अब इस भी करना है तो उसका लेंथ क्या होगा, और फिर ब्रेथ दिया हुआ 16 मीटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किस पर, एरिया पर। एरिया पर कैसे डिस्कस करेंगे, तो जो अमाउंट है 9,120 उसको हम ₹5 से भाग देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो ही डिवाइड करेंगे आपका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि 9,125 से कट जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वह मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। और जब एरिया निकल गया तो बाकी आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल है वह रेक्टेंगुलर है और जिसमें आपका ब्रेथ दिया हुआ 16 मीटर, तो एरिया बाय ब्रेथ कर देते हैं तो हमारा लेंथ निकल जाता है, और जब लेंथ निकल गया, ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया भी निकल गया, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 162 मीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर दिया हुआ है वह 162 मीटर दिया है, 162 मीटर दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस द ब्रेथ,